हाय एवरीवन, दिस इज एपिसोड 2 ऑफ विंटर गेन। कि हमें पता है कि विंटर्स में वेट गेन होता है। पहले हमने बात की रीजंस, क्या क्या रीजंस थे जिसकी वजह से विंटर्स में गेन होता है वेट। आज हम बात करेंगे कि हम क्या कर सकते हैं कि हम वेट लूज करें विंटर्स में, या फिर वेट गेन तो ना हो कम से कम। तो फर्स्ट पॉइंट हमने डिस्कस किया था वाटर। तो जब हम कहते हैं कि वाटर आपको कम से कम कितना पीना चाहिए विंटर्स में, क्योंकि प्यास कम लगती है, पानी कम हो जाता है, तो हमें कम से कम 2 लीटर से 3 लीटर के बीच में फिर भी पीना है पानी। मतलब 2 से 2.5 लीटर्स आप पी सकते हो, लेकिन 8 ग्लासेस पानी मिनिमम है आप विंटर्स में अगर पीना चाहते हो तो। सेकेंड पॉइंट आता है आपका टी और कॉफ़ी। टी और कॉफ़ी जब हमें लगता है कि बहुत सूदिंग लगती है विंटर्स में और बहुत ज़्यादा हम इंक्रीज कर देते हैं जिसकी वजह से टॉक्सिन्स बढ़ते हैं, तो वो हम कैसे रिड्यूस करेंगे? हम उसमें ग्रीन टी कर सकते हैं। जब हमें लगता है कि हमें टोटल पूरे दिन में बार बार मन कर रहा है तो हम ग्रीन टी ले सकते हैं, बट ग्रीन टी भी 1 या 2 से ज़्यादा नहीं लेनी है पूरे दिन में। तो आप मैक्सिमम 1 कॉफ़ी 1 चाय और 2 ग्रीन टी पूरे दिन में ले सकते हो। दैट विल सॉल्व योर प्रॉब्लम। अच्छा, अब थर्ड पॉइंट मुझे एक याद आया जिसमें हम सब बोलते हैं कि गर्म पानी पीते रहो विंटर्स में वेट लूज होता है। नहीं जी, ये मिस्टेक कभी भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जितना आप गर्म पानी पूरे दिन में पीते रहोगे उतना आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाएगा, क्योंकि जो एंजाइम्स होते हैं जो वर्क करते हैं वो आपके रूम टेम्परेचर में, जिस टेम्परेचर पे आप हो उस पे वर्क करते हैं। अगर आप ज़्यादा गर्म पानी उसमें डालते जा रहे हो तो वो एंजाइम्स को, गट सिस्टम को आप वीक करते जा रहे हो, जिसकी वजह से आपका वेट कम नहीं होगा। अब अगर हमें गट की बात याद आई तो गट बहुत इंपॉर्टेंट है उसको हेल्दी रखने के लिए, ताकि हमारा वेट विंटर्स में बहुत आराम से लूज हो। क्योंकि मैंने सुना है कई लोगों को कि विंटर्स में वो कर्ड छोड़ देते हैं। दे थिंक कि कर्ड तो बहुत ठंडा होता है, विंटर्स में क्यों ले। कर्ड ठंडे से ज़्यादा प्रोबायोटिक होता है, तो कर्ड आपको ज़रूर लेना है विंटर्स में। व्हाट यू कैन डू, आप जमाते हो जब कर्ड को, तो उसके बाद आप उसको फ्रिज में मत रखो, या फिर जस्ट 1/2 आवर के लिए फ्रिज में रखकर आप उसको बाहर निकाल दो। बिकॉज उससे क्या होता है, वो ठंडा नहीं होता, वो आपका एक प्रोबायोटिक की तरह काम करता है, बल्कि कोल्ड एंड कफ में भी हेल्प करता है। तो ये मिथ है जो हमें सॉल्व करनी होती है, और कर्ड हमारा हेल्प करेगा क्योंकि ये नेचुरल सोर्स ऑफ प्रोबायोटिक है। अच्छा, अब आता है हमारा गट को हेल्दी रखने के लिए प्रीबायोटिक्स। तो प्रीबायोटिक्स किसमें पाए जाते हैं? आपके ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, जो आपकी सर्दियों में भरपूर पाई जाती हैं। तो आपको कैसे यूज़ करना है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स को? आप अपनी रोटी के अंदर स्टफिंग करो। आप कभी भी रोटी प्लेन मत खाओ सर्दियों में। आप किसी ना किसी चीज़, चाहे वो बीटरूट लो, चाहे वो स्पिनेज लो, मेथी लो, सरसों लो, किसी भी चीज़ का आप मिक्सी में ब्लेंड करके आटे में उस प्यूरी को डाल दो, और वो आप रोज़ आटा उसी का बनाओ। चेंज कर करके आप चीज़ें यूज़ कर सकते हो, क्योंकि जब सबसे अच्छा सीज़न है आपका, हेल्दी सीज़न है, जिसमें आप वेट भी प्रॉब्लम नहीं करेगा और आपका न्यूट्रिशन बहुत अच्छा हो सकता है। ये सीज़न है जिसमें आप स्किन को भी ग्लो करा सकते हो, और अपना हेयर फॉल भी नहीं होगा, और आपकी ओवरऑल हेल्थ बहुत अच्छी हो सकती है। तो एक और चीज़ आती है हमारी ड्राई फ्रूट्स, जब हम इसकी बात करते हैं तो ड्राई फ्रूट्स आपके बहुत अच्छे होते हैं अगर हम विंटर्स में लेते हैं तो, बट उसका एक क्वांटिटी लिमिटेड होनी चाहिए। कितनी क्वांटिटी लिमिटेड होनी चाहिए? 1 फिस्ट। इसका मतलब क्या है? इतना जो फिस्ट में आता है, फिस्ट से अगर बाहर निकल रहे हैं तो इसका मतलब वो आपका एक्स्ट्रा है। तो जितना आपका फिस्ट में आता है, दैट मीन्स 5 to 8 या 10 पीसेज होते हैं, तो आप उसमें मिक्स कर सकते हो। ये नहीं कि काजू नहीं खाना, बट काजू 1 से 2 ही अलाउड है पूरे दिन में। देन बादाम आपके 5 आराम से खा सकते हो, 2 वॉलनट खा सकते हो, पिस्ते आप 3 से 4 खा सकते हो। तो टोटल आप 10 ड्राई फ्रूट के पीसेज आप अगर हम टोटल मिलाते हैं तो हम ये खा सकते हैं। किसी दिन आपका मन नहीं है कि आपने बादाम नहीं खाने, तो आप तिलगोजे भी ले सकते हो, बट आपको वेरिएशंस भी ट्राई कर सकते हो। देन सीड्स आप बहुत आराम से ले सकते हो इसमें, 1 टीस्पून सीड्स पूरे दिन में। तो मिक्स सीड्स का पैकेट मंगवा सकते हो, जिसमें सनफ्लावर, मेलन, देन आपके पम्पकिन सीड्स, फ्लेक्स सीड, ये सारे होते हैं। ये आपकी कॉन्स्टिपेशन में भी रिलीफ करता है। नट्स और सीड्स आपके रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन, देन अदर विटामिन, मिनरल, सब चीज़ों के पाए जाते हैं, तो आप ये आराम से इंजॉय कर सकते हो। एक और चीज़ जो हमने प्रॉब्लम पिछली बार डिस्कस की थी कि रीज़न हमारा वेट लॉस का नहीं होता, वो है कि क्यों वेट लॉस नहीं होता विंटर्स में, वो है इनएक्टिविटी। तो आप अपनी पूरे हफ्ते में 4 दिन कम से कम एक्टिविटी बढ़ाओगे। तो ये नहीं ज़रूरी कि आपको जिम ही जाना है, आप अपनी नॉर्मल वॉक भी कर सकते हो, आप योगा कर सकते हो, आप डांस क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो, आप घर पे एरोबिक्स कर सकते हो, घर पे आप अपनी फंक्शनल ट्रेनिंग कर सकते हो, जो आपको एक्सरसाइज में बहुत अच्छा लगता है वो आप एक्सरसाइज करो, बट 4 डेज अ वीक आप अपना एक्सरसाइज को रखो। और एक्सरसाइज का मतलब ये नहीं कि आप एक्सरसाइज करो और पूरे दिन फिर बैठे हुए हो। तो आपकी एक्टिविटी कैसे इंक्रीज होगी? आप थोड़ी थोड़ी, जैसे मैं सपोज आप एक सिंपल नॉर्मल फ़ोन पे किसी को कॉल किया आपने, आप बहुत देर से बैठे हुए हो, तो अपने आप को खड़ा करके आप घूमते हुए, वॉक करते हुए
आप अपना फोन पे बात करोगे, उससे क्या होगा, एक जो आपके बैठने का मोमेंटम है वो टूटेगा और आपकी एक्टिविटी स्टार्ट हो जाएगी। रजाई में बैठे बैठे जब आप खाना खाते रहते हो तो आपका वेट जल्दी गेन होता है क्योंकि आपकी एक्टिविटी बिल्कुल स्लो हो जाती है। तो ये सारे स्टेप्स आप कोशिश करना कि आप सब कुछ अपनाओ ताकि आपका वेट लॉस हो। अगर विंटर्स में कॉन्स्टिपेशन हो रही है तो आपने कहीं ना कहीं कुछ ना चीज मिस करी है। ऑरेंजेस, बीटरूट, इन सब का जूस आप बहुत आराम से विंटर में पी सकते हो। आंवला बीटरूट का जूस पियोगे तो ये सबसे बेस्ट है विंटर्स में, ये आपको कॉन्स्टिपेशन भी नहीं होने देगा। देन कैरेट और आंवले का जूस भी आप पी सकते हो, आप वेरिएशंस भी कर सकते हो, नहीं तो मिक्स करके भी जूस पी सकते हो। जो वेजिटेबल जूसेस होते हैं दे विल नॉट कॉज एनी प्रॉब्लम, तो आप वेजिटेबल जूसेस को एंजॉय कर सकते हो। ऑरेंजेस आप खा सकते हो, ग्रेप फ्रूट आप खा सकते हो क्योंकि सिट्रस फ्रूट्स आर बेस्ट इन विंटर्स। तो ये सारी चीजें आप एंजॉय करो, बट वेट लॉस आराम से हो जाएगा और वेट गेन की टेंशन मत लो, बट आप ये सब स्टेप्स को बेटर करो। स्लीपिंग आवर्स 8 आवर्स जरूर होने चाहिए और स्ट्रेस को भी आपको कम से कम रखना है। Enjoy winters and stay healthy. Thank you.